गाजर मूली के पौष्टिक गुण। वैज्ञानिक लेख। हमारी धरती पर अनेक प्रकार की फसलें, फल, फूल, सब्जियां पैदा होती हैं, जो हमारे लिए उपयोगी एवं स्वास्थ्यप्रद होती हैं। मुख्यतया हम सब्जियों का सेवन अपने भोजन में प्रतिदिन करते हैं। सब्जियां अनेक प्रकार की होती हैं और सबके अपने वैज्ञानिक दृष्टि से अलग अलग गुण होते हैं। इन्हीं सब्जियों में गाजर मूली भी होते हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले गाजर की बात करते हैं। गाजर को हम प्रायः सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं और कभी कभी सब्जी के रूप में भी खाते हैं। गाजर में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होती है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा गाजर में विटामिन सी भी पाया जाता है। जब शरीर में कहीं कट फट जाता है और खून बहने लगता है, तो बहते खून को जमाने में विटामिन सी मदद करता है। गाजर के द्वारा लोगों के शरीर में सोडियम और फास्फोरस पहुंचता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है तथा वजन को सही रखने में मदद करता है। गाजर शरीर में अमीनो एसिड बनाने में भी मदद करती है, जिससे हृदय, फेफड़ा, लीवर एवं किडनी सब स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही मिष्ठान के रूप में गाजर का हलवा बनाकर भी खाया जाता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। इस तरह गाजर हमारे लिए विभिन्न प्रकार से लाभकारी एवं गुणकारी है। अब हम बात करते हैं पौष्टिकता से भरपूर मूली के गुणों के बारे में। मूली का प्रयोग अधिकतर सलाद के रूप में और साथ ही उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी में भी किया जाता है। इसमें भी अनेक पौष्टिकता होती है। मूली में विटामिन B1 और विटामिन B2 पाया जाता है। ये विटामिन्स भी आंखों के लिए लाभकारी होते हैं। मूली में पोटाशियम, सोडियम और सल्फर पाए जाते हैं, जो हमारी मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं, साथ ही अस्थियों को सशक्त भी करते हैं। गाजर की भांति मूली भी हमारे शरीर में अमीनो एसिड बनाने में मदद करती है, जिससे हृदय, फेफड़े, लीवर एवं किडनी स्वस्थ रहते हैं। मूली और गाजर दोनों ही शरीर में पाचक रस भी पैदा करती हैं, जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। प्रायः घरों में मूली के पराठे बनाए जाते हैं, जो खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इस प्रकार गाजर एवं मूली दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से लाभकारी एवं पौष्टिक होते हैं, अतः हमें हमेशा इनका सेवन करना चाहिए।